नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इस दीपावली चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आमतौर पर घर में या घर के आसपास जीव जंतुओं का दिखना हमारे लिए एक आम बात होती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्ली, छिपकली, उल्लू, जहां एक तरफ शुभ नहीं माने जाते हैं, देखते ही हम इन्हें भगा देते हैं, तो वहीं शगुन शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन इन्हीं जानवरों का घर या व्यापारी स्थल में दिखना माँ लक्ष्मी का गुप्त संकेत बताया गया है। दीपावली के दिन घर की छत या व्यापार स्थान पर उल्लू का दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। उल्लू जो कि माँ लक्ष्मी का वाहन है, ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर ही दीपावली के दिन विचरण करती है। शगुन शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन जिस घर या व्यापार स्थान पर उल्लू दिखे, उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी पधारती है और उस घर और व्यापार स्थान पर पूरे साल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, दीपावली की साफ सफाई में हमें अनेक तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं। इन्हीं जंतुओं में से एक जंतु है दोस्तों छिपकली। दीपावली और छिपकली को लेकर ऐसा मत है कि अगर दीपावली के दिन आपको अपने घर या व्यापार स्थान पर छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए इस साल खुलने जा रहा है आपके लिए कुबेर का खजाना। दीपावली के दिन छिपकली का दिखना पूरे साल हर्षो उल्लास का कारक बताया गया है। घर परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई बीमारी घर में किसी सदस्य को काफी लंबे समय से परेशानी दे रही है तो इस साल राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों, दक्षिण दिशा की दीवार यानी साउथ डायरेक्शन की दीवार पर दिखने वाली छिपकली के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि ये समाज, परिवार, व्यापार में विजय का सूचक है। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी इस साल। कोई अगर लंबे समय से आपका दुश्मन है, कोई आपको परेशान कर रहा है, फिर चाहे वो आपका गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा मिलेगा और विजय प्राप्त होगी। आपके खिलाफ कोई भी पीठ पीछे साजिश नहीं कर पाएगा और व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही समाज व परिवार में आपका यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, अगला जीव है छछुंदर। वैसे तो कहा जाता है कि छछुंदर अक्सर वही पाया जाता है जहां अदृश्य यानी गड़ा हुआ धन हो, लेकिन दीपावली के दिन छछुंदर के दिखने पर ऐसी मान्यता है कि जिस घर या व्यापार स्थान पर छछुंदर दिख जाए उस घर के व्यक्तियों को आकस्मिक लाभ होता है। जैसे गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है या अचानक कोई पुश्तैनी जायदाद मिल सकती है, शेयर मार्केट में बड़ा फायदा हो सकता है या कोई ऐसा कार्य होगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी और वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। दीपावली के दिन छछुंदर दिखने पर व्यक्ति को निश्चित ही आकस्मिक लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला जीव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बिल्ली। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली का दीपावली के दिन दिखना माँ लक्ष्मी की कृपा का सबसे विशेष और गुप्त संकेत माना जाता है। ये गुप्त संकेत दर्शाता है कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। पूरे साल आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको दीपावली के दिन इनमें से कोई भी एक जीव जो हमने आपको यहाँ बताया दिख जाए तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, दीपावली के दिन जिन घरों या व्यापार स्थल में यहाँ बताए गए जीव में से कोई भी एक जीव अगर आपको दिख जाए तो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुद को बहुत लकी समझता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन इन जीव में से कोई भी एक अगर दिख जाए तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और आपकी कामना जल्द पूरी हो जाए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा का भी विधान बताया गया है, जैसे रोली, मूली, चावल, सुपारी आदि। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अक्षत के कुछ दाने ही आप दूर से चढ़ा दीजिए, क्योंकि अक्षत यानी चावल पूर्णता का प्रतीक है। अगर सिर्फ चावल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भी करते हैं तो बिना पूजा भी आपकी इच्छा जरूर जल्द ही पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, यानी अखंडत अक्षत आपको लेने हैं। आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है मन में ही कि माँ लक्ष्मी के द्वारा दिए गए गुप्त संकेत हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे और माँ लक्ष्मी, गणपति, कुबेर सहित हमारे घर में, व्यापार में कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ये दुर्लभ संकेत है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होते। अगर इस दीपावली आपको मिलते हैं तो यहाँ बताया गया कार्य आप जरूर करें।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, शुभ दीपावली।